मसीह की रोज की मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक पढ़ने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हालेलुया, सबको जय मसीह की। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। आइए आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं। आज का पवित्र वचन परमेश्वर के आत्मा और वचन की अगुवाई, जैसे कि पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 के बारे में लिखा है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। मेरे प्रियो, आप जानते हो कि आप चुने गए हो। आपकी जिंदगी में परमेश्वर की एक बुलाहट है और उस बुलाहट को पूरा करने के लिए आपके अंदर दो चीजें होनी जरूरी हैं। पहली परमेश्वर का वचन, दूसरी परमेश्वर का आत्मा, क्योंकि परमेश्वर का वचन और आत्मा आपकी अगुवाई करेगा कि अपने किस तरह अपनी बुलाहट को पूरा करना है। जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि जाओ और पूरी दुनिया में सुसमाचार सुनाओ, लेकिन हम जाएंगे कहाँ, यह कौन बताएगा? परमेश्वर का आत्मा। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम में वह आत्मा नहीं जो संसार का है, तुमने वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, ताकि परमेश्वर तुम्हें वह बातें बता सके जो उसकी ओर से हैं। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में दाऊद के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि दाऊद के अंदर परमेश्वर का आत्मा था और दाऊद ने अपने जीवन में 66 लड़ाइयां लड़ी और वह सभी लड़ाइयां जीता, क्योंकि दाऊद के अंदर जो आत्मा था वह आत्मा उसकी हर लड़ाई में अगुवाई करता था कि कैसे जाना है, किस तरफ से आ जाना है। इसलिए उसने कभी हार का मुंह नहीं देखा। लिखा है कि जब दाऊद ने पाप किया था तो परमेश्वर का आत्मा उसे छोड़कर चला गया था और उससे दूर हो गया था। इसलिए दाऊद ने कहा कि हे परमेश्वर, सारी चीजें वापस ले ले, सारी आशीषें वापस ले ले, पर अपने आत्मा को मुझसे अलग ना कर। तब परमेश्वर ने उसकी सुनी और उसको वापिस आत्मा दिया। फिर परमेश्वर का आत्मा उसकी अगुवाई करने लगा। याद रखें, जब आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा होगा तब वही आत्मा आपकी हर एक चीज में अगुवाई करेगा, गलत काम करने से हटाएगा, गलत रास्तों पर जाने से रोकेगा। जिस तरह यूसुफ की परमेश्वर के आत्मा ने अगुवाई की जब पोतीपर की पत्नी उसे अपने साथ सोने के लिए कह रही थी, तब यूसुफ उस स्थान को छोड़कर भागा और उसके साथ सोया नहीं, और परमेश्वर उससे प्रसन्न हुए और फिर परमेश्वर ने उसे मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनाया। जरा सोचें, अगर यूसुफ के अंदर परमेश्वर का आत्मा न होता तो आत्मा उसकी कभी अगुवाई न कर पाता और वह पाप करता और कभी आशीषित न हो पाता। जिस तरह अगर आज एक व्यापारी अपने व्यापार में सफल नहीं है तो इसका कारण यह नहीं है कि उसके पास पैसा नहीं है, ताकत नहीं है, बल्कि उसका कारण यह है कि उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है। अगर उस व्यापारी के अंदर परमेश्वर का आत्मा होगा तब वह उसकी उसके व्यापार में अगुवाई करेगा और वह सफल होगा। इसलिए मेरे प्रियो, आपके अंदर परमेश्वर के आत्मा का होना बहुत जरूरी है, ताकि परमेश्वर का वह आत्मा आपकी हर चीज में, हर एक बात में अगुवाई कर सके और आप आशीषित हो सके। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन, आमीन, आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपके इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मुझे अनुग्रह दीजिए कि मैं ज़्यादा समय आपके साथ बिता सकूं, ताकि आपका आत्मा मेरी अगुवाई कर सके और मैं आपके बढ़ सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। प्रेज द लॉर्ड।